हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी गाउस। तो आज हम बात करेंगे मार्च 2020 के मंथ से रिलेटेड टॉप 50 करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज के बारे में, ठीक है, जिनको कि एक्सप्लेनेशन के साथ हम करेंगे। ओके, और ये एमसीक्यूज हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होंगे और जो आने वाले एग्जाम्स हैं कई सारे उन सब के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। ओके, और अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड का लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन है कि ईयर 2019 में इंडिया में सबसे ज़्यादा डिजिटल ट्रांजेक्शन्स किस सिटी में किए गए हैं। तो सबसे ज़्यादा किए गए हैं बेंगलुरु में, ठीक है, जो इंडिया का ऑनलाइन पेमेंट प्रोसेसर है जिसका नाम है वर्ल्ड लाइन इंडिया, ठीक है। उसने अभी रिसेंटली रिपोर्ट रिलीज की है मार्च 2020 में। उस रिपोर्ट में बताया गया है कि बेंगलुरु सिटी में सबसे ज़्यादा डिजिटल ट्रांजेक्शन्स किए गए हैं 2019 में, और उसके बाद सेकेंड रैंक पे है चेन्नई, थर्ड पे मुंबई एंड फोर्थ पे है पुणे। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो युगांडा का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है जिसका नाम है गोल्डन जुबली मेडल सिविलियंस, वो अभी रिसेंटली दिया गया है, तो वो किसको दिया गया है? तो वो दिया गया है राजेश चपलोट को, ठीक है, जो कि एक एनआरआई बिजनेसमैन है। उनको अभी रिसेंटली ये गोल्डन जुबली मेडल सिविलियंस अवार्ड दिया गया है प्रेसिडेंट ऑफ युगांडा के द्वारा, युगांडा के प्रेसिडेंट युवेरी मुजेवेनी जो है उनके द्वारा यह अवार्ड इनको दिया गया था। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मलेशिया के न्यू प्राइम मिनिस्टर के रूप में किनको अभी अपॉइंट किया गया है? तो वो किया गया है मुहिद्दीन यासीन को, ठीक है, जो मलेशिया के किंग है सुल्तान अब्दुल्ला सुल्तान अहमद साहब, ठीक है। उन्होंने अभी रिसेंटली मुहिद्दीन यासीन को मलेशिया का न्यू प्रेसिडेंट के रूप में अपॉइंट किया है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा भी रिसेंटली कौन सी स्कीम लॉन्च की गई है जिसकी हेल्प से हाउस होल्ड में पाइप्ड वाटर को प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है, बुंदेलखंड जो रीजन है वहाँ पे, ठीक है, बुंदेलखंड जो बेसिकली रीजन है वो कुछ डिस्ट्रिक्ट्स यूपी के और कुछ एमपी के मिलके बुंदेलखंड रीजन बनता है, उस रीजन के हाउस होल्ड के लिए पाइप्ड वाटर प्रोवाइड कराया जाएगा इस स्कीम के द्वारा। तो इस स्कीम का नाम है हर घर जल स्कीम, ओके, जिसको अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन रेलवेज ने अभी एक फर्स्ट रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स लॉन्च किया है, किस रेलवे स्टेशन पे लॉन्च किया गया है उसको? सो इसको लॉन्च किया गया है आसनसोल रेलवे स्टेशन पे। इंडियन रेलवे ने फर्स्ट टाइम लॉन्च किया है रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स, ठीक है, जो आसनसोल है उसके रेलवे स्टेशन के लिए और वहाँ के जो नॉर्मल लोग हैं जो जनरल पब्लिक है आसनसोल की उन सब के लिए इसको लॉन्च किया गया है रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स को। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा के जो स्पीकर हैं ओम बिरला, उन्होंने अभी रिसेंटली एक स्कीम लॉन्च की है सुपोषित माँ अभियान, वो किस सिटी में लॉन्च की है? तो वो की गई है कोटा में, ठीक है, कोटा राजस्थान में। और 1 मार्च 2020 को जो लोकसभा के स्पीकर हैं ओम बिरला उनके द्वारा इस कैंपेन को लॉन्च किया गया है। इसमें बेसिकली क्या होगा कि जो प्रेग्नेंट वुमन या फिर एडोसोलेंट गर्ल्स जो हैं उनके लिए न्यूट्रिशनल सपोर्ट दिया जाएगा, ठीक है। और ये कोटा में ही क्यों लॉन्च की गई? क्योंकि ओम बिरला की जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो कोटा है, इस वजह से ये स्कीम कोटा में लॉन्च की गई है 9 मंथ्स के लिए। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो एडीबी है उसके द्वारा एशिया पैसिफिक कंट्रीज के लिए कितना फंड प्रोवाइड कराया जाएगा कोरोना वायरस को फाइट करने के लिए? सो एडीबी मतलब एशियन डेवलप बैंक, सो इसके द्वारा दिया गया है $4 मिलियन का, ठीक है, मतलब अप्रोक्सीमेटली बात करें तो हम 29 करोड़ रुपीस एशिया पैसिफिक कंट्रीज जो हैं उनके लिए दिया गया है एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा जो कोरोना वायरस का आउटब्रेक है उसको फाइट करने के लिए। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो OECD है, OECD ने इंडिया की GDP 2020-2021 के लिए जो प्रोजेक्शन किया था पहले 6.2% किया था, अभी उसको घटाकर कितना कर दिया है? सो अभी उसको घटाकर 5.1% कर दिया है, ठीक है, उससे पहले
6.2 का प्रोजेक्शन किया था 2020 2021 की ईयर के लिए इंडिया की जीडीपी ग्रोथ में ओईसीडी के द्वारा, ओके, जिसको अभी घटाकर 5.1 कर दिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे है वो कब मनाया जाता है। तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे या फिर विश्व वन्य जीव दिवस जो है वो हर साल 3 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, जो वाइल्ड लाइफ के जो फ्लोरा और फौना जो हैं उनके कंजर्वेशन के लिए या फिर वाइल्ड लाइफ के कंजर्वेशन के लिए इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। मेन एम मतलब ये है। और 2020 का जो 3 मार्च को ये सेलिब्रेट किया गया है, इसकी थीम थी सस्टेनिंग ऑल लाइफ इन अर्थ। ठीक है, ये इसकी थीम थी, सस्टेनिंग ऑल लाइफ ऑन अर्थ। ठीक है, कभी कभी पूछ लेते हैं डायरेक्टली कि जैसे वर्ल्ड लाइफ डे है उसकी थीम क्या थी 2020 के लिए। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो लेबर मिनिस्ट्री है उसके द्वारा रिसेंटली एक ऐप लॉन्च किया गया है जिसकी हेल्प से डीजल की डिलीवरी जो है डोर स्टॉप पे की जाएगी। ठीक है, नेशनल कैपिटल रीजन में, NCR में। इस ऐप का नाम है हम सफ़र। ठीक है, यूनियन मिनिस्टर जो है लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के, जिनका नाम है संतोष गंगवार, उनके द्वारा हम सफ़र मोबाइल ऐप का अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया है जिसकी हेल्प से डोर स्टॉप पे डीजल की डिलीवरी की जाएगी नेशनल कैपिटल रीजन में, और इसको लॉन्च किया गया था 2 मार्च को। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी रिसेंटली कौन सी कंट्री फर्स्ट कंट्री बनी है जिसने कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को पूरी तरह से फ्री कर दिया है। वो है लक्समबर्ग। ठीक है, लक्समबर्ग जो कि एक यूरोपियन कंट्री है, ये फर्स्ट कंट्री बनी है। इसने फर्स्ट टाइम, मतलब वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि पूरे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फ्री कर दिया गया है, और ये किया गया है लक्समबर्ग के द्वारा। और अगर इस लक्समबर्ग की हम बात करें तो ये यूरोप की सेकंड स्मॉलेस्ट कंट्री है। ओके, और ये यूरोप में है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस स्टेट गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली डिसाइड किया है कि वो अनएम्प्लॉयड जो ग्रेजुएट हैं या फिर पोस्ट ग्रेजुएट जो यूथ हैं उनको एनुअली बेसिस पे 5,000 से 7,000 रुपये तक का असिस्टेंस दिया जाएगा। वो डिसाइड किया गया है झारखंड के द्वारा। ठीक है, झारखंड गवर्नमेंट का जो अभी रिसेंट बजट आया था फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए, जिसको कि झारखंड के जो स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर हैं रामेश्वर ओरावन, उनके द्वारा प्रेजेंट किया गया था। और इस बजट में ये बताया गया है, ठीक है, कि 5,000 से 7,000 रुपये का पर ईयर असिस्टेंस दिया जाएगा अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट यूथ के लिए। ठीक है, जो कि झारखंड में ही है उनके लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस यूनियन टेरिटरी के एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा स्टूडेंट हेल्थ कार्ड स्कीम लॉन्च की गई है। स्टूडेंट चिल्ड्रंस जो हैं उनके लिए स्टूडेंट हेल्थ कार्ड स्कीम लॉन्च की गई है। किस यूनियन टेरिटरी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है? तो इसको लॉन्च किया गया जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के द्वारा। ठीक है, और इसको 5 मार्च को लॉन्च किया गया था, जो जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं GC मुर्मू, उनके द्वारा इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। ठीक है, स्टूडेंट हेल्थ कार्ड को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि IMF जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उसने अभी रिसेंटली अवेलेबल कराया है कोरोना वायरस के लिए, ठीक है, फाइनेंशियल हेल्प देगी वो लो इनकम और इमर्जिंग मार्केट कंट्रीज जो हैं उन सब के लिए, कितने का। अभी रिसेंटली हुआ ये है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है उसने $50 बिलियन की हेल्प प्रोवाइड कराने की बात की है लो इनकम और इमर्जिंग मार्केट कंट्रीज जो हैं उन सब के लिए, जिससे कि वो कोरोना वायरस जो स्प्रेड हो रहा है उसको कॉम्बैट कर सके। ओके, और इस 50 बिलियन डॉलर में से $10 बिलियन जो हैं वो 0% रेट पे प्रोवाइड करा जाएंगे जो पुअरेस्ट मेंबर हैं, मेंबर कंट्रीज जो हैं IMF की, उन सब के लिए। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यू चीफ इंफॉर्मेशन कमीशनर के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है। बिमल जुल्का जो हैं, जो कि फॉर्मर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग सेक्रेटरी थे, उनको अभी रिसेंटली न्यू चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के रूप में अपॉइंट किया गया 5 मार्च को। ठीक है, और इनकी ओथ कराई गई थी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जो कि अभी रामनाथ कोविंद जी हैं उनके द्वारा। ओके,
और जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो होता है, इसको एक हाई लेवल की सिलेक्शन पैनल होती है, ठीक है, वो चेयर की जाती है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, उसके द्वारा इसको नॉमिनेट किया जाता है और अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, ओके। और इसके अलावा जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं, ठीक है, उनमें अपॉइंट किया गया है श्रीमती अमिता पंडोवे को, ठीक है, इंफॉर्मेशन कमिश्नर के रूप में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कोबिता उत्सव उत्सव जो है अभी रिसेंटली किस सिटी में स्टार्ट हुआ है? सो इसको स्टार्ट किया गया है कोलकाता में, ठीक है, ये एक पोइट्री फेस्टिवल है, ठीक है, जिसको कि 5 मार्च को स्टार्ट किया गया था कोलकाता में। जो बंगाली जो पोइम्स जो हैं उन सबको इनक्रेज करने के लिए, यूथ को इनक्रेज करने के लिए बंगाली पोइम्स से रिलेटेड, ठीक है, ये फेस्टिवल 3 दिन तक चला था, 5 से 8 मार्च तक, ओके। और इसको इनोग्रेट कराया गया था जो एमिनेंट पेंटर हैं जिनका नाम है जोगेन चौधरी, उनके द्वारा इसको इनोग्रेट कराया गया था, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो फ्रीडम इन वर्ल्ड 2020, इसमें इंडिया की रैंकिंग क्या है? फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2020, इसमें इंडिया की रैंकिंग रही है 83rd, ठीक है। इस इंडेक्स को 5 मार्च 2020 को रिलीज किया गया था, और इसमें बेसिकली जो कंट्रीज जो होती हैं उनकी डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ और पीपल्स का फ्रीडम जो है उन सब के बारे में एनालिसिस किया जाता है, और फिर कंट्रीज़ को रैंक दी जाती है, ठीक है। इसमें टोटल 159 कंट्रीज और 15 जो टेरिटरीज जो थी उन सबको रैंक किया गया कैटेगरी वाइज, ठीक है। इसको जो इस रैंक को जो प्रिपेयर किया जाता है वो किया जाता है फ्रीडम हाउस के द्वारा, जो कि एक यूनाइटेड स्टेट्स का जो वॉच डॉग कह सकते हैं हम उसको, जो कि एक रिसर्च कराता है डेमोक्रेसी पे, ठीक है, उसके वो इसको पब्लिश करता है, ठीक है, फ्रीडम इन वर्ल्ड इंडेक्स जो है 2020 का, और इसमें फ्री कैटेगरी में इंडिया की रैंकिंग रही है 83rd पोजीशन पे, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नमस्ते ओरखा फेस्टिवल रिसेंटली अभी स्टार्ट किया गया है, वो किस स्टेट में स्टार्ट किया गया है? सो इसको स्टार्ट किया गया है मध्य प्रदेश में, ठीक है, 3 दिन तक चला था ये फेस्टिवल, जो कि टूरिज्म को और मध्य प्रदेश का जो टूरिज्म है या फिर वहाँ का जो रिच कल्चर जो है उसको प्रमोट करने के लिए इस फेस्टिवल को, नमस्ते ओरखा फेस्टिवल को स्टार्ट किया गया था, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस स्टेट ने अभी रिसेंटली डिजिटल लिटरेसी के लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम है आई एम ऑल्सो डिजिटल, मैं भी डिजिटल हूँ, ये किस स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया है? सो ये किया गया है केरला के द्वारा, ठीक है, केरला का जो आईटी मिशन है जिस जो कि डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर में आता है, और केरला का जो लिटरेसी मिशन है, इन दोनों ने मिलकर इस डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम जिसका नाम आई एम ऑल्सो डिजिटल है को लॉन्च किया है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो इंटरनेशनल वुमेंस डे है वो कब ऑब्जर्व किया जाता है, कब मनाया जाता है? सो इंटरनेशनल वुमेंस डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो 8 मार्च को मनाया जाता है हर साल, ओके। और इस साल इसकी थीम थी आई एम जनरेशन इक्वलिटी रियलाइजिंग वुमेंस राइट, ओके, 2020 की ये थीम थी आई एम जनरेशन इक्वलिटी रियलाइजिंग वुमेंस राइट, ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स जो है उसके हिसाब से एशिया का सबसे रिचेस्ट मैन कौन है? सो वो है जैक मा, ठीक है, मुकेश अंबानी जो है वो सेकंड रैंक पे रहे हैं, ठीक है, और फर्स्ट रैंक पे हैं जैक मा, और ये कौन सा इंडेक्स है? ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है कोरोना वायरस के प्रिकॉशंस की अवेयरनेस बढ़ाने के लिए? उस ऐप का नाम है कोवा पंजाब, ठीक है, पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा कोवा पंजाब को लॉन्च किया गया है, ठीक है, जिससे कि कोरोना वायरस के जो प्रिकॉशंस हैं या फिर उसके बारे में जो अवेयरनेस है उसको बढ़ाया जा सके, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो सोलर रूफ टॉप प्लांट्स जो हैं उन सब की लिस्ट में सबसे ज़्यादा इंस्टॉलेशन किस स्टेट ने किए हैं? सबसे ज़्यादा इंस्टॉलेशन किए गए हैं गुजरात के द्वारा, ठीक है, गवर्नमेंट का अभी रिसेंटली एक डाटा रिलीज किया गया जिस डाटा में बताया गया है कि गुजरात ने सबसे ज़्यादा इंस्टॉल किए हैं सोलर रूफटॉप प्लांट्स, ओके, और उसके बाद सेकेंड नंबर पर है महाराष्ट्र, ठीक है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया का जो फर्स्ट लिविंग कुलिनरी आर्ट्स म्यूजियम जो है वो किस स्टेट में है। सो वो है कर्नाटक में। ठीक है, जो कर्नाटक में वेलकम ग्रुप ग्रेजुएट स्कूल ऑफ होटल एडमिनिस्ट्रेशन जो है कर्नाटक में, वहाँ पे ये म्यूजियम है। ठीक है, जिसको कि जो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स जो है उसमें दर्ज किया गया है एज इंडियाज़ फर्स्ट लिविंग कुलिनरी आर्ट्स म्यूजियम। ठीक है, और ये म्यूजियम 2008 में ओपन किया गया था अप्रैल मंथ में। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो ग्लोबल एनिमल प्रोटेक्शन इंडेक्स है 2020 का, उसमें इंडिया की रैंकिंग क्या रही है। उसमें इंडिया की रैंकिंग रही है सेकंड। ठीक है, जिसको कि वर्ल्ड एनिमल प्रोटेक्शन जो कि एक इंटरनेशनल एनिमल वेलफेयर चैरिटी है उसके द्वारा रिलीज किया जाता है इस इंडेक्स को, और इस इंडेक्स में इंडिया सेकंड रैंक पे है। ठीक है, जिस इंडेक्स का नाम है ग्लोबल एनिमल प्रोटेक्शन इंडेक्स। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स जो है 2020 का, उसमें इंडिया की रैंकिंग क्या है। सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स जो है इसको EIU के द्वारा रिलीज किया जाता है, मतलब कि इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट जो है उसके द्वारा इसको रिलीज किया जाता है। इसमें इंडिया की रैंकिंग 46th पोजीशन पे रही है। ठीक है, और अगर हम नेबरिंग कंट्रीज़ की बात करें तो पाकिस्तान की रैंकिंग 76th पोजीशन पे है, और टॉप कंट्रीज़ में फर्स्ट पोजीशन पे स्वीडन है, सेकंड पे न्यूजीलैंड है, थर्ड पे USA है। ओके, और अगर वर्स्ट कंट्रीज़ की अगर हम बात करें तो वर्स्ट कंट्रीज़ में बुरुंडी जो है, लिबेरिया, मेडागास्कर, मलावी, ये सब वर्स्ट कंट्रीज़ की लिस्ट में आई है इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स में। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक डिगी पिवोट एक स्किल प्रोग्राम है वुमेन के लिए। ठीक है, इसको किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसको स्टार्ट किया गया है गूगल इंडिया के द्वारा। ठीक है, डिगी पोवेट, जिसमें क्या होगा कि जो वुमेन है जिनको कि मतलब एक बार उन्होंने ब्रेक ले लिया अपने करियर से, प्रोफेशनल करियर से, उसके बाद वापस से वो आना चाहती हैं, उनके लिए प्लानिंग वगैरह कराई जाएगी उसमें, और डिजिटल एडवर्टाइजिंग या मार्केटिंग वगैरह भी उनके लिए कराई जाएगी। इस ऐप का नाम है डिगी पिवोट। ओके, जिसको कि गूगल इंडिया के द्वारा स्टार्ट किया गया है। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर क्रीक लाइन जो है वो किन किन कंट्रीज के बीच में है। सर क्रीक लाइन जो है वो बेसिकली इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है। ठीक है, जो रन ऑफ कच्छ जो है, ठीक है, कच्छ की खाड़ी हम जिसको बोलते हैं, वहाँ की जो मार्श लैंड्स हैं उनके बीच में जो 96 किलोमीटर की एक स्ट्रिप है, वाटर डिस्प्यूट रीजन है ये, सर क्रीक लाइन इसको बोलते हैं, ये लाइन है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस इंडियन स्टेट या यूनियन टेरिटरी के द्वारा रिसेंटली एक नमस्ते ओवर हैंडशेक एक कैंपेन लॉन्च की गई है COVID-19 जो कि कोरोना वायरस है उस डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए। वो लॉन्च की गई है कर्नाटक से। ठीक है, कर्नाटक स्टेट के द्वारा लॉन्च की गई है नमस्ते ओवर हैंडशेक। ठीक है, जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है, हैंडशेक करने के बजाय नमस्ते से अभिवादन करें। ओके, और इसके साथ साथ कर्नाटक गवर्नमेंट ने एक 24/7 टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर भी लॉन्च किया, जिसका नंबर है 104। ठीक है, 104, जिसमें कि COVID-19 से रिलेटेड पब्लिक क्वेरीज के बारे में हम जान सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो ओकुल दंतावीस खुंगराए जो कि स्मॉलेस्ट डायनासोर है, अभी रिसेंटली इसको डिस्कवर किया गया है। ठीक है, इसको किस कंट्री में डिस्कवर किया गया, इसको डिस्कवर किया गया म्यांमार में। ठीक है, ये 99 मिलियन ईयर ओल्ड है। ठीक है, इसको नदन जो म्यांमार है वहाँ पे इसको डिस्कवर किया गया अभी रिसेंटली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रगति इनिशिएटिव किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है। प्रगति इनिशिएटिव जो है इसको अभी रिसेंटली स्टार्ट किया गया है फेसबुक इंडिया के द्वारा। ठीक है, जो जिसमें क्या होगा कि जो अर्ली स्टेज में जो वुमेन है उनको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए इनिशिएट किया जाएगा। ठीक है, प्रगति इनिशिएटिव जो है इसमें।
ठीक है, और इसमें अवार्ड्स भी दिए जाएंगे। फेसबुक इंडिया जो है वो प्रगति इनिशिएटिव के अंडर में अवार्ड्स देगा अप टू 50 लाख, ठीक है, जो वुमेन का जो नॉन प्रॉफिट का जो वर्क है उस स्केल पे बेस बेस करके अप टू 50 लाख का अवार्ड दिया जाएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो चैत्र जात्रा है एक फेस्टिवल है, किस स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये स्टेट उड़ीसा में सेलिब्रेट किया जाता है इसको, ठीक है, हर साल इसको उड़ीसा में 17 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेशनल वैक्सीनेशन डे जो है वो कब ऑब्जर्व किया जाता है? सो 16 मार्च को, हर एवरी ईयर 16 मार्च को नेशनल वैक्सीनेशन डे ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है, जिसको कि नेशनल इम्यूनाइजेशन डे के नाम से भी जानते हैं। ओके, हुआ ये था 1995 में, फर्स्ट जो ओरल वैक्सीन है पोलियो उसके अगेंस्ट में जो ओरल वैक्सीन जो चलाई गई थी फर्स्ट टाइम 1995 में 16 मार्च को फर्स्ट ड्रॉप दी गई थी, ठीक है, इस वजह से नेशनल वैक्सीनेशन डे या फिर नेशनल इम्यूनाइजेशन डे उसको 16 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया में। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो सोलर चरखा मिशन जो है उसको किस कमीशन के द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाएगा? तो सोलर चरखा मिशन को KVIC के द्वारा, ठीक है, KVIC मतलब खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन जो है उसके द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया है, ठीक है, ये बेसिकली जो इनिशिएटिव है ये है MSME का है, ठीक है, जो मिनिस्ट्री ऑफ MSME है मतलब मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की जो मिनिस्ट्री है उसके द्वारा इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है और इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा KVIC मतलब कि खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन जो है उसके द्वारा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी रिसेंटली एक बिल पास किया गया है जिसका नाम है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिल 2020, उसमें अबॉर्शन की जो अपर लिमिट है अबॉर्शन कराने की उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो उसको बढ़ाकर 24 वीक्स कर दिया गया है, ठीक है, स्पेशल कैटेगरीज की जो वुमेन है उन सब के लिए, पहले ये 20 वीक्स था, ठीक है, और अब इसको बढ़ाकर 24 वीक्स कर दिया गया है। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस इंस्टीट्यूट के द्वारा जो कोरोना वायरस है उसको प्रिवेंट करने के लिए एक न्यू टाइप का हैंड सैनिटाइजर जो है वो डेवलप किया गया है? सो किस इंस्टीट्यूट के द्वारा डेवलप किया गया? वो किया गया CSIR IHBT, मतलब CSIR मतलब काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का जो इंस्टीट्यूट है, IHBT मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी जो है उसके द्वारा, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश के पालमपुर जगह पे ये इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे इसको बनाया गया इस सैनिटाइजर को। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस स्टेट और यूनियन टेरिटरी के द्वारा एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट किया गया है जिसका नाम है चीफ मिनिस्टर एडवोकेट वेलफेयर स्कीम, ठीक है, ये किया गया है दिल्ली के द्वारा, ठीक है, दिल्ली के जो करंट चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी उनके द्वारा ये रिसेंटली एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है लॉयर्स के लिए जिसका नाम है चीफ मिनिस्टर एडवोकेट वेलफेयर स्कीम। ओके, और इस स्कीम में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो 21 मार्च से स्टार्ट हुए थे, ठीक है, और जो अभी रिसेंटली जो बजट पेश किया गया था, ठीक है, दिल्ली का, सो उसमें 50 करोड़ जो रुपीस हैं वो इस स्कीम के लिए फिक्स किए गए हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो वो कौन से फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं जिनको अभी रिसेंटली राज्यसभा के मेंबरशिप की ओथ दिलाई गई है 19 मार्च 2020 को, सो वो दिलाई गई है रंजन गोगोई को, ठीक है, 19 मार्च 2020 को रंजन गोगोई को राज्यसभा के मेंबरशिप के लिए ओथ दिलाई गई थी, वो दिलाई गई थी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ओके, और दिलाई क्यों गई थी? क्योंकि उनसे पहले एक पोस्ट खाली हुई थी, अभी रिटायरमेंट हुआ था जो सीनियर लॉयर थे उनका, KTS तुलसी जो थे उनकी पोस्ट जो राज्यसभा के मेंबर की पोस्ट थी वो खाली होने की वजह से इनको ओथ दिलाई गई है और इनको मेंबर बनाया गया राज्यसभा का। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस इंस्टीट्यूट ने एक पेस्ट रेजिस्टेंस वैरायटी, कॉटन की एक पेस्ट रेजिस्टेंस वैरायटी बनाई है
जो वाइट फ्लाइज जो होती हैं उनको रोकने के लिए। वाइट फ्लाइज सफ़ेद कीट जो होते हैं कॉटन में जो लगती हैं, कॉटन का जब कल्टीवेशन करते हैं तो उस टाइम पे ये लगते हैं। इन सब से रेजिस्टेंस एक पेस्ट बनाई गई है। वो किसके द्वारा बनाई गई है? तो वो बनाई गई है NBRI लखनऊ इंस्टीट्यूट के द्वारा। NBRI मतलब नेशनल बायोनॉटिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है लखनऊ का, उन्होंने कॉटन की एक पेस्ट रेजिस्टेंस वैरायटी बनाई है जिससे कि जो वाइल्ड वाइट फ्लाइज जो होती हैं उनसे प्रिवेंट किया जा सके कॉटन को। ओके, और इसका जो फील्ड बेसिस पे जो ट्रायल स्टार्ट होंगे वो अप्रैल से अक्टूबर तक होंगे। ठीक है, जो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के जो फरीदकोट सेंटर है वहाँ पे ये स्टार्ट किए जाएंगे। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो स्वावलंबन एक्सप्रेस ट्रेन है जो कि 5 जून से स्टार्ट की जाएगी एंटरप्रेन्योर्स के लिए, वो किस बैंक के द्वारा स्टार्ट की जा रही है? तो वो की जा रही है सिडबी के द्वारा। ठीक है, सिडबी मतलब स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, उसके द्वारा 5 जून से एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक स्वावलंबन एक्सप्रेस ट्रेन स्टार्ट की जाएगी। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस स्टेट गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली जो प्रमोशन में जो रिजर्वेशन होता है उसको कैंसिल किया है? तो वो किया गया है उत्तराखंड के द्वारा। ठीक है, उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली जो रिजर्वेशन का होता है प्रमोशंस में उस सब को कैंसिल कर दिया गया है जो स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उन सब के लिए। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो वर्ल्ड स्पैरो डे है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? वो किया जाता है 20 मार्च को। हर साल 20 मार्च को वर्ल्ड स्पैरो डे सेलिब्रेट किया जाता है, जो जिसमें कि मेन एम इसका ये होता है स्पैरोज़ की जो इम्पोर्टेंस जो है इकोसिस्टम में उसके बारे में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, और 2020 का जो ये सेलिब्रेशन किया गया है 20 मार्च को, इसके लिए थीम थी आई लव स्पैरो। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो स्पेस एक्स है उसके द्वारा एक फर्स्ट मैंड फ्लाइट जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जाएगी वो लॉन्च की गई है। ठीक है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है क्रू ड्रैगन। ठीक है, ये जो फर्स्ट मैंड फ्लाइट जो है ये मई मंथ जो 2020 में तब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे भेजी जाएगी। जो स्पेस एक्स का जो फाल्कन 9 जो रॉकेट है उसके द्वारा इस क्रू ड्रैगन को लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, इसमें जो नासा के जो एस्ट्रोनॉट्स होंगे वो हैं बॉब बहंकेन एंड डॉग हॉली। ठीक है, ये दो साइंटिस्ट इसमें जाएंगे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो UGC जो है, ठीक है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, उसने रिसेंटली एक स्कीम लॉन्च की गई है। ठीक है, उसके द्वारा जो अंडर ग्रेजुएट जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी लाइफ स्किल्स के लिए एक स्कीम लॉन्च की गई, उस स्कीम का नाम क्या है? तो उस स्कीम का नाम है जीवन कौशल। ठीक है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है उसने रिसेंटली जीवन कौशल मतलब लाइफ स्किल, ठीक है, एक करिकुलम स्टार्ट किया गया है अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए जो यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में जो हैं उन सब के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की कौन सी सेंचुरी है जिसको अभी रिसेंटली इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा? सो वो है नेशनल चंबल सेंचुरी जो है उसको अभी रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, और ये जो नेशनल चंबल सेंचुरी जो है यहाँ पे गैंगटिक डॉल्फिन काफ़ी भारी मात्रा में, और उसके अलावा जो घड़ियाल जो है क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज जो है घड़ियाल वो काफ़ी भारी मात्रा में यहाँ पे पाए जाते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिसेंटली एक इंद्रधनुष जॉइंट एक्सरसाइज हुई थी जो इंडियन एयरफोर्स और ये UK की जो रॉयल एयरफोर्स जो है उन दोनों के साथ में। ठीक है, तो वो किस सिटी में हुई थी? तो वो हुई थी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश का जो एयरफोर्स स्टेशन है हिंडन का, जिसको कि हिंडौन भी बोल सकते हैं, वहाँ पे इस एक्सरसाइज को कराया गया था। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूपी गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली अनाउंस किया है कि जो फार्मर्स जो स्ट्रे कैटल हैं मतलब कि जो आवारा कैटल्स जो हैं उनको अगर अपने घरों में रखेंगे
तो उनको पर मंथ इतना रुपया दिया जाएगा, तो कितना रुपया दिया जाएगा, तो वो दिया जाएगा 900। ठीक है, यूपी गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली अनाउंस किया है 3 मार्च को कि जो भी फार्मर्स हैं अगर वो स्ट्रे कैटल मतलब कि जो आवारा कैटल्स जो हैं उनको अगर अपने घरों पे रखेंगे तो उनको 900 रुपीज़ पर मंथ दिया जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण लेवल पे जो स्वच्छ भारत मिशन है उसका अभी रिसेंटली फेज सेकंड स्टार्ट किया गया है, तो वो किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है, तो वो किया गया है गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा, जो कि जल शक्ति मिनिस्ट्री के यूनियन मिनिस्टर हैं। ठीक है, उनके द्वारा अभी रिसेंटली स्वच्छ भारत मिशन को ग्रामीण लेवल पे जो उसका सेकंड फेज है उसको स्टार्ट किया गया है 4 मार्च को। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो नेशनल सिक्योरिटी डे है जिसको कि हम राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस भी बोलते हैं वो कब ऑब्जर्व किया जाता है, सो वो किया जाता है 4 मार्च को। ठीक है, जिसमें कि जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनके जो वर्क है उसको अप्रिसिएट करने के लिए हर साल नेशनल सिक्योरिटी डे या फिर राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को मनाया जाता है। ओके, और नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आज का कि चंद्रयान 3 जो मिशन है वो कब लॉन्च किया जाएगा, तो वो किया जाएगा 2021 के फर्स्ट हाफ में। ठीक है, जो यूनियन मिनिस्टर हैं जितेंद्र सिंह उन्होंने अभी रिसेंटली अनाउंस किया है जो इसरो का चंद्रयान 3 मिशन जो है वो 2021 के फर्स्ट हाफ में उसको लॉन्च किया जाएगा। ओके, सो यही थे कुछ 50 करंट अफेयर्स के टॉप एमसीक्यूज रिलेटेड क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। ओके, होप यू गाइस फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी काउच। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए गुड डे।